ये सब झूठ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका घर, आपकी पत्नी सब खुश है, सब खुशी खुशी मेरी शादी में शरीक हो रहे हैं। और सासू माँ, आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, मेरा रिश्ता मेरी पत्नी उर्मिला ने ही तय करवाया है। अब क्या करती बेचारी, उसकी भी मजबूरी है। बहुत प्यार जो करती है मुझसे, मुझे एक पल के लिए भी दुखी नहीं देख सकती वो। अब देखिए, मैं खुश, वो खुश। और सासू माँ, जानती हैं आप इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश कौन है? सोचिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं समझी आप? मैं बताता हूं, राधे। इस सगाई की सारी जिम्मेदारी आपने कंधे पे लिए घूम रहा है वो। खैर, उसके बारे में क्या बात करना, वो तो कुत्ता है मेरा। हम लोग अपने बारे में बात करते हैं। देखिए, आप सगाई में जरूर आइएगा, और हां, सच धज कर आइएगा। आखिर ठाकुरों के साथ रिश्ता जुड़ रहा है आपका, अब सच धज कर आने की तौकात है नहीं आपकी, इसलिए ये कुछ सामान लाया हूं मैं। कुछ नहीं चाहिए हमें, और जो आप कह रहे हैं उससे मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, दो दिन का समय है आपके पास, आप आराम से इस बात को हजम कीजिएगा और आ जाइएगा। आइएगा जरूर। तुम उसी लड़की की मां हो ना? क्या नाम था उसका? कौमुदी। कौमुदी, क्या हुआ उसका? तो शादी वादी की उसने, या फिर अभी भी अपने बाप के यहां तो यहां वहां गिरवी पड़ी रहती है? खैर, मुझे क्या करना उस लड़की से, हम तो अपनी बात करें ना। सासू मां, आइएगा जरूर। और हां सासू मां, अगर ये भी आना चाहे तो आप इन्हें भी साथ लेती आना, मेरी और अमूली की सगाई में। आइएगा, चलो। इन्होंने तो जैसे लाज शर्म सब कुछ छोड़ दी है माँ, कभी कभी तो सोच कर लगता है जैसे ये भूल गए कि मैं आप भी इन्हीं की पत्नी हूँ। माँ मेरे सामने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इन्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। हमेशा कहती थी ना कि पति पत्नी का रिश्ता दिल से होता है, अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरा बिना कहे सुने उसे महसूस कर लेता है। अब देख, विजय को मेरी तकलीफ क्यों नहीं महसूस हो रही? जिस जिस बात का डर था वही हो रहा है, और मिला दिग्विजय को कोई नहीं रोक सकता, वो जो चाहेगा जैसा चाहेगा करके रहेगा, और हमें उसकी करतूतों को किस्मत मानकर सहना होगा। देखने में सुनने में ये बातें कड़वी सही, हमें इस सच्चाई को सहनी होगी बेटा। साड़ी अमूली को दे और कहना कि दो दिन के बाद मेरी और उसकी सगाई।
ये साड़ी मैंने मालिक को खुश करने के लिए नहीं पहनी है राधे, ये तो मेरी एक और कोशिश है आपको इस बात का एहसास दिलाने की। मुझे खोकर आप क्या खोने जा रहे हैं? अपनी माँ की खुशी के लिए अपनी पत्नी की जिंदगी का सौदा करने का कोई हक नहीं है आपको। रिश्ते और प्यार बांटे जाते हैं, बेचे नहीं जाते। राधे, उम्मीद है आज आप ये बात समझ पाएंगे। और माजी, ये आपके लिए भी आखिरी मौका है। जिसे आज तक आपने अपनी बेटी का दर्जा दिया है उसे अपनी सौतन बनाने की गलती मत कीजिए। माँ वो होती है जो अपनी बेटी की खुशहाल जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दे दे। मैं आपके दिल में वही जज्बात देखना चाहती हूँ। मैं ये साड़ी पहनी सबसे पहले आपको दिखाऊं, मैं भी देखना चाहती हूं, क्या आप मुझे इस साड़ी पहने हुए देख सकते हैं? आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब बताइए कैसी लग रही हूं मैं? क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारी खूबसूरती ने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहां है अमूली। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी दी हुई साड़ी पहनकर मेरे सामने खड़ी हो। उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि तुम इतनी आसानी से मेरा कहा मान लो। मैं तो सोच रहा था कि अब मैं हवेली में आऊंगा और फिर तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करूंगा और फिर तुम। जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं है मालिक, मेरी किस्मत की भी यही मर्जी थी। और मेरे पति की, ऊपर से आपकी पत्नी भी नहीं चाहती थी। तो मेरे सामने आपकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। बहुत कोशिश की अपनी किस्मत से लड़ने की लेकिन लड़ नहीं पाई। अब मैंने हार मान ली है मालिक। लेकिन एक बात तो, अगर मेरे पति मेरे साथ होते ना तो मैं आपको ये जीत का सुख कभी हासिल नहीं करने देती। लेकिन क्या कर, जब अपना सिक्का ही खोटा निकला तो। गलती तुम्हारी ही है अमूल्य, तुम लकड़ी की तलवार अपने हाथों में लेकर लोहे की तलवार का सामना करने निकली थी। एक ना एक दिन तो तुम्हारी तलवार को कटना और तुम्हारा हारना तय था। चलो कोई बात, देर आए दुरुस्त था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने ये साड़ी पहनी, अपनी रजामंदी भी जाहिर कर।
पर मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस घर का हर सदस्य मेरी खुशी में शामिल है। अरे हाँ, और मिला तुम्हें मेरा एक काम और करना, यहां जमोली को अपने साथ लेकर जाओ। क्या और मिला, तुम कमाल करते, तुम कैसे भूल सकती हो? आज दुर्गाष्टमी है, हर साल गांव के मंदिर में देवी की महाआरती होती है ना, बरसों से चली आ रही है ये परंपरा। हर साल देवी मां के महापूजन में इस हवेली से भी पूजा का थाल देवी मां के चरणों में समर्पित किया जाता है और ये शुभ कार्य हमेशा इस हवेली के ठकराइन के शुभ हाथों से होता है। इस साल तुम्हें भी उर्मिला के साथ इस पूजा में शामिल होना है। और हाँ उर्मिला, पंडित जी से कहकर और अमोली को भी देवी मां का आशीर्वाद जरूर दिलवा देना, आखिरकार वो भी तो इस हवेली की होने वाली ठकुराइन है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। मालिक मालिक मालिक, मैं अभी भी राधे की पत्नी की पत्नी और ये हक मैंने अभी तक आपको नहीं दिया कि आप मुझे छू सके। ठीक है मोहन, जहां इतना इंतजार किया वहां कुछ दिन और सही। इतनी अच्छी साड़ी है ना, ये रंग भी मुझे बहुत पसंद है। मालिक मेरी पसंद को कितनी अच्छे से जानते, इसीलिए तुम मुझसे बिना पूछे मेरी पसंद की इतनी अच्छी साड़ी ली। मुझे तो इंतजार है अब गहनों, पता नहीं मालिक मेरे लिए क्या क्या बनवाने की सोच रहे, शायद मोतियों के कंगन या फिर सोने के, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे लिए हीरे के कंगन बनवा दे। एक बात तो है, मालिक की पसंद लाजवाब, वो जो भी देंगे अच्छा ही देंगे, वो भी प्यार से। और पता है राधे, कोई इतने प्यार से कोई चीज देना तो उसे लेने में भी बहुत मजा आता है। और मैं एक रात में तुम इतना बदल गई है मोली, कल तक तो हमसे अपने सिंदूर की मंगलसूत्र की बातें किया करती थी तुम, बड़ी बड़ी बातें प्यार की, रिश्तों की दुहाइयां दिया करती थी, हमें अपना पति परमेश्वर ना जाने क्या क्या कहती, चार दिन की चका छोड़ने सब कुछ बुला दिया तुम्हें। अरे पैसे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम हमें भूल गई।
हमें तो उनसे बात ही नहीं करनी। मगर दुख तो हमें इस बात का है मोहली कि हमने तुम्हें समझने में गलती कर। अरे दोस्त मानते थे हम तुम्हें अपना, देवी मानते थे, मगर तुम तो गिर के खड़ी और निकली। हाँ वो मैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं गिरी हुई और घटिया औरत, इसीलिए तो मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। जब आपकी अमोली पूरी तरह से मालिक की हो जाएगी, वो सब कुछ करवाएंगे। लाल, पीला, गुलाबी, हरा, नारंगी, अपने पसंद का। अब बहुत देर हो चुकी है मोली, बहुत देर, इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, हम अपना फैसला कर चुके हैं। हम नहीं जानते कि फैसला सही है कि गलत, मोली हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारा आखिरी फैसला है, और जहां पर हम खड़े हैं वहां से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना हमारे लिए और ना तुम्हारे लिए। हम जीते जी मर क्यों ना जाए, मगर मोली वही होगा जो होना चाहिए। मंदिर जाना है ना, चल बहुत देर हो गई है।